5.5 घंटे से लंबी चर्चा जो 2 घंटे तक सीमित थी बहुत ही लाभकारक रही है, मैं समझता हूँ संसद के लिए, सरकार के लिए, निश्चित रूप से सरकार के लिए। मैं आभारी हूँ भुवनेश्वर कलिता जी का, समर चौधरी जी का, जिन्होंने इस बहस का आरंभ किया, और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ इस सदन के 2 वरिष्ठ सदस्यों का, श्री इंद्रजीत गुप्ता का और श्री संगमा जी का, जिन्होंने इस बहस में भाग लेकर के इस बहस को एक और वजन दे दिया। संगमा जी आखिर में बोले, बहुत संक्षेप में बोले, केवल मात्र कुछ सुझावों के रूप में उन्होंने रखा। मुझे उनके प्राय सभी सुझावों से सहमति है, थोड़ी बहुत अगर जिसको रिजर्वेशन कह सकता हूँ तो रिजर्वेशन इस कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज अधिक से अधिक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में लगे तो उतनी मात्रा में राज्य सरकारों को लगेगा कि हमारे कार्य क्षेत्र को सीमित किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ संगमा जी का भी इरादा नहीं होगा। हाँ, उनका इरादा इस दृष्टि से ज़रूर होगा कि जो बात बहुत सारे लोगों ने कही कि इंद्रजीत जी ने भी कही कि ये कोई इस सरकार का सवाल नहीं है। ये अगर धारणा साधारण है कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र की ओर वित्तीय दृष्टि से कम ध्यान दिया जाता है और फाइनेंशियल सहायता कम की जाती है तो ये धारणा सही नहीं है। मैं अगर तुलना करूं, जो कि तुलना एक ही प्रसंग में करूंगा, तो शायद उड़ीसा का जो प्रदेश है वह क्षेत्र की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट के बराबर है, और शायद पिछड़ेपन की दृष्टि से कई हिस्से तो नॉर्थ ईस्ट से काफी पिछड़े हुए। लेकिन बावजूद इसके मुझे एक आंकड़ा दिया गया और वो आज का नहीं है, 1990-91 और 96-97 इन 6 सालों के बीच में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 42,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उसी काल में उड़ीसा में 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये एक प्रासंगिक है, लेकिन मैं इस बात को बल देना चाहूँगा कि वित्तीय सहायता कम दी है इसके कारण समस्याएं हैं, यह बात सही नहीं है। अलबत्ता यह बात सही है कि मानसिक दूरी बनी हुई है, वह किसका दोष है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह सही बात है। और मुझे एक वाक्य जो मैंने प्रधानमंत्री जी के अभी के एक भाषण में देखा, जब यहाँ पर एक उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें विकास के समस्याओं पर विचार किया गया, उसमें एक वाक्य प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने कहा जिसमें बहुत वजन है, वो किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्हेन पीपल इन न्यू दिल्ली थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट दे यूजुअली थिंक ऑफ द ज्योग्राफिक डिस्टेंस विच ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू मेंटल डिस्टेंस। व्हेन पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट थिंक ऑफ न्यू दिल्ली दे यूजुअली थिंक ऑफ द डेवलपमेंटल डिस्टेंस विच ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू इमोशनल डिस्टेंस। दोनों दृष्टियों से, एक नई दिल्ली के लोग दूरी की कल्पना करते हैं, अरे मिजोरम मेघालय कितनी दूर है, और उसके कारण मानसिक रूप से भी दूरी स्वीकार कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वहां पर बैठे हुए लोग जब अपने क्षेत्र के विकास की स्थिति देखते हैं और कल्पना करते हैं दिल्ली कैसा है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र कैसे हैं, जिनको आजकल रोज टेलीविजन में दूरदर्शन में दिखाया जाता है, तो लगता है कि यहाँ पर तो हमारे लिए तो सड़क भी ठीक नहीं है, हमारे लिए तो रेलगाड़ी भी नहीं है, और अगर कौन कितने लोग जा सकते हैं हवाई जहाज से, हवाई जहाज ही एकमात्र रास्ता है जिसकी इतनी चर्चा हुई। अर्थात विकास की दूरी वह एक प्रकार से मानसिक दूरी को और पुष्ट करती है, और यह दूरी जो है
वो दूरी बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो जिन्होंने पहला पहला अपना भाषण किया, आज मेडन स्पीच किया, जो अपने मन की बात बोल रहे थे। और ये देखिए कि ये आज की चर्चा वैसे तो इंसर्जेंसी के बारे में है, और वह एक प्रदेश ऐसा है मिजोरम, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कम से कम इंसर्जेंसी है, किसी समय थी लेकिन आज नहीं है, जिस प्रकार से अरुणाचल में नहीं है। और किंडिया जी ने ठीक कहा कि ये कल्पना करना कि वहाँ पर सब जगह इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी है, ये सही नहीं है। वहाँ पर एरियाज ऑफ पीस है, और हमारा काम है कि उन एरियाज ऑफ पीस को बढ़ाना और जो एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी है उनको घटाना। लेकिन वो जिस समय बोल रहे थे, और वो बोल रहे थे हम भारतीय बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम भारतीय होने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसका कारण है कि इस दूरी के कारण, इंद्रजीत ने भी सही कहा कि इस दूरी के कारण कभी कभी वहाँ के लोग, और ख़ास करके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता, वो बात ऐसे करते हैं आपके भारत में ऐसा है, आपके इंडिया में ऐसा है, जैसे मानो वो किसी और देश के रहने वाले। यह जो दूरी है, उस दूरी को किसी न किसी प्रकार से दूर करना, मैं समझता हूँ जो भी सरकार आती है या जो भी राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल इस समस्या के बारे में, उत्तर पूर्व के बारे में सोचते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा काम है। अब उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, सुझाव दिया गया, अभी अभी शायद संगमा जी ने कहा, सही कहा कि पीस थ्रू डेवलपमेंट होना चाहिए, और किसी ने कहा कि भाई तीन तीन लोगों ने, तीन तीन प्रधानमंत्रियों ने घोषणाएं की हैं, आश्वासन दिए हैं। मुझे जहां तक याद आता है प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि दो पहले पहले पैकेजेस अनाउंस हो चुके हैं, मैं नया पैकेज अनाउंस नहीं करूंगा, आज के प्रधानमंत्री ने। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सरकार, कोई भी सरकार, वह कंटिन्यूटी की सरकार है, और इसीलिए पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने अगर कोई आश्वासन दिए हैं तो उसका दायित्व हम पर भी आता है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आश्वासन दिया था, हमारे ऊपर नहीं आता। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया संगमा जी ने कि देवेगौड़ा जी ने या शायद इंद्र गुजराल जी ने 10% रिजर्वेशन की बात कही थी। It was announced by the then Prime Minister in October 1996 that a North East sub-plan would be set up in all central ministries departments. के जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनमें एक नॉर्थ ईस्ट सब प्लान बनाई जाएगी, और जितना कुल मिलाकर के संसद अपने बजट में एलोकेट करती है उसके लिए, उसमें से 10% इट विल बी फॉर द नॉर्थ ईस्ट घोषणा होगी। और मैं मानता हूं कि घोषणा में, जिस समय उन्होंने घोषणा की होगी उस समय उनके मन में नॉर्थ ईस्ट का हित होगा कि हिंदुस्तान, या हम, मैं वैसे कह दूं उसकी बजाय सबके ऊपर एक जवाबदारी डाल देता हूं। लेकिन उस उनके ख्याल में नहीं आया होगा, उनका दोष नहीं, कि ऐसी अनेक मिनिस्ट्रीज हैं जिन मिनिस्ट्रीज में अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए 10% देते हैं तो उसका उपयोग कैसे होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है, वो क्या करेगी अगर वो कहेगी कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें जाएगा। और इसीलिए प्लानिंग कमीशन को ने इस घोषणा को एनालाइज किया, और एनालाइज करके ऐसा पाया कि 22 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनके ऊपर ये बंधन लगाना, उसका मतलब है कि उनके जो एलोकेशन है उनको वेस्ट करना। और इसीलिए, लेकिन बावजूद इसके, मूल सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मैं सदन में घोषणा कर सकता हूं कि अब मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वह 10% अपना यह एलोकेशन उस नॉर्थ ईस्ट के सब प्लान के लिए करें। मैं आभारी हूं इंद्रजीत जी का, किंडिया जी का, और जिन जिन लोगों ने पिछले सालों में
एनएससीएन के संदर्भ में जो जो निर्णय किए गए सरकार के, शायद उस समय सरकार में उसके हिस्सेदार पूरी तरह से इंद्रजीत जी होते तो शायद उनकी राय दूसरी भी हो सकती थी बारीकियों के बारे में, लेकिन उन्होंने काफ़ी काफ़ी जिसको कहे ना साफ गोई से अपनी बात कही और अंत में ये कहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनमें से कुछ ने बताया, शायद हमारे जयंत जी ने कहा कि उनके यहाँ पर 18 है, किसी ने कहा 40 है, पता नहीं कितने मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए। आज से 15-20 साल पहले तो शायद एक आदि था और आज इतने हो गए, लेकिन उनमें सबसे अधिक सशक्त माना जाने वाला, जिसके इधर उधर के प्रदेश के बाहर के भी देशों से संबंध है, वो एनएससीएन है। और उस एनएससीएन के साथ पिछली सरकार ने बातचीत शुरू की और हाँ अल्फा भी है, लेकिन मैं उसके तुलना में नहीं जाता, ये मैं इंद्रजीत जी को कोट कर रहा, और इंद्रजीत जी एक जानकार व्यक्ति है और काफ़ी वरिष्ठ है और इस जो जवाबदारी मैं संभाल रहा हूँ उसको संभालते रहे हैं। और उनके उनका निर्णय हुआ 1 अगस्त को, 1 अगस्त से लेकर के सीज फायर हुआ उनके साथ, और 3 महीने का सीज फायर हुआ, उसके बाद 3 महीने और बढ़ाया गया, उसके बाद 3 महीने और बढ़ाया गया, उसके बाद 3 महीने और बढ़ाया गया। आज 31 जुलाई और कल 1 अगस्त को ये जो अभी का 3 महीना है वह पूरा हो जाता है। इट हैपेंस दैट वी आर टॉकिंग ऑन दैट डे, और इसीलिए मुझे इस सदन में घोषणा करना आवश्यक लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू अनाउंस फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द करंट सीज फायर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम August 1, 1998। बोथ साइड्स एग्रीड दैट विद द एक्सटेंशन ऑफ द करंट सीज फायर पोलिटिकल डिस्कशन शुड स्टार्ट, द एग्रीड ग्राउंड रूल्स शैल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द सीज फायर पीरियड। अध्यक्ष जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं इंद्रजीत जी से कि सीज फायर, इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था इस बहस में आज मैं नहीं जाता, इसके अपने इम्प्लीकेशन है, लेकिन मैं साथ साथ सरकार की कंटिन्यूटी मान करके हमारी सरकार ने कहा कि अगर इसके कारण नागालैंड में आसपास के क्षेत्रों में उत्तर पूर्व में शांति है तो हमारी जवाबदारी है कि उस शांति को बनाए रखना, यद्यपि वह शांति स्वयं में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि बोथ साइड्स एग्रीड दैट विद द एक्सटेंशन ऑफ द करंट सीज फायर पॉलिटिकल डिस्कशन शुड स्टार्ट, ये इसमें है। तो राजनीतिक चर्चा हो और राजनीतिक हल हो इस परिस्थिति का, ये निकालना बहुत जरूरी है, इसके कारण ये निर्णय किया गया है। और मैं सबके साथ सहमत हूँ कि सब चीज़ें एक साथ करनी होगी, एकांगी रूप से इस समस्या को देखना ठीक नहीं। कोई अगर कहता है, ये भी कहता है ना, किसी ने कहा कि एट द रूट कॉज ऑफ दिस इंसर्जेंसी इज लैक ऑफ डेवलपमेंट, मैं सहमत नहीं हूं। अगर होता तो पंजाब में इंसर्जेंसी नहीं होती, हिंदुस्तान के रिलेटिवली कम से कम, ऐसा नहीं कि वहां पर बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, लेकिन रिलेटिवली अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से पंजाब काफी प्रॉस्परस है, पंजाब में विकास काफी हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर इंसर्जेंसी आई, मिलिटेंसी आई, तो उसके कारण दूसरे हैं। इसीलिए इंसर्जेंसी मिलिटेंसी कहीं पर आती है तो उसको एक सर्वग्राही दृष्टि से देखना चाहिए, एक सर्वांगीण। हाँ, मैं अपने मित्रों को यह भी कहूंगा कि इस प्रकार के इंसर्जेंसी के सवालों को देखने के लिए दलगत राजनीति बिल्कुल लागू नहीं चाहिए, और इसीलिए मेरे ही साथी ने जब कहा ना कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जितनी इंसर्जेंसी है वो वहां पर पार्टियां जो शासन में बैठी हुई हैं, सरकार में बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने इरादे से किया, ये एक कहने की कोई जरूरत नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा अंश सच्चाई का होता है,
थोड़ा थोड़ा अंश सच्चाई का होते हुए भी अगर समस्या को हल करना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखना होगा। और जिस प्रकार से इंद्रजीत जी ने आज सरकार के हिस्से होते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से, और मैं कहूंगा औपचारिक रूप से भले कालिता जी ने और समर चौधरी जी ने इसका आरंभ किया हो, लेकिन जिन्होंने आग्रह पूर्वक कहा कि और किसी विषय पर चर्चा हो कि ना हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, वे इंद्रजीत गुप्ता थे। लगातार बिल्कुल मैं जानता हूं कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार कहते रहे मदन जी को, खुराना जी को, नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ, और इस कारण आज हम इस पर चर्चा कर सके। अध्यक्ष जी, वैसे तो सवाल अनेक उठाए हैं, मैं सबकी चर्चा नहीं कर सकता। मुझे ममता जी की यह बात पसंद आई कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में अगर किसी प्रकार से सांसद संबद्ध हो सके तो अच्छा होगा। अब मैं कठिनाई देखता हूं क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में अभी तक कम से कम मुख्यमंत्री आते हैं 7, गवर्नर आते हैं 7 और शायद 3 और लोग होते हैं। सांसद हमारे 24 हैं लोकसभा के, और 24 आपने कहा लेकिन सिक्किम को मिलाकर के 25 हैं, और शायद उस सदन से 7 हैं और 32 सांसद हैं कुल मिलाकर के। लेकिन मुझे लगता है कि उनको या उनके प्रतिनिधियों को किसी न किसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में से जोड़ना वह लाभकारक होगा, क्योंकि उनका रोल वैसा ही है जैसा चीफ मिनिस्टर का। हाँ, मैं जयंत रोंगपी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह मानसिकता कि यह दोष जो है, जो भी समस्या वहां पर है वह ISI के कारण है, वह ISI को बांग्लादेश ने वहाँ दे दिए हैं, बेसिस दे दिए हैं, या ट्रेनिंग कैंप्स देती हैं, या म्यांमार भी उनकी सहायता करता है, इसके कारण है। इतना सिंपलिस्टिक एनालिसिस कोई करेगा तो समस्या का हल नहीं होगा। मैं मानता हूँ अगर असंतोष न हो, जनता में नाराजगी न हो, तो ISI कुछ नहीं कर सकती। ISI तब कुछ कर सकती है, देश के दुश्मन तब कुछ कर सकते हैं जब मूलतः जमीन पर असंतोष है, और वो असंतोष किस कारण है, इस असंतोष का हल निकालना हम सबका कर्तव्य है, और उसमें हल निकालना केंद्रीय सरकार का जितना कर्तव्य है राज्य सरकारों का उतना ही कर्तव्य है। क्योंकि सबने कहा, अनेक लोगों ने कहा, पैसा जितना जाता है जमीन पर पहुंचता नहीं, जनता के पास पहुंचता नहीं, कहां जाता है। इसमें दोष तो वहां की राज्य सरकारों का है। आखिरी हमारे मिजोरम के सदस्य ने कहा, कम आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही सेड आई विल ब्लेम बोथ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत है, और वो भ्रष्टाचार बाकी स्थानों पर शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाता होगा जितना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचाता है। इस तथ्य को हमको पहचानना चाहिए और हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि एक बोडोलैंड की समस्या के बारे में अनेक बार हमारे मित्र बसुमतारी ने उठाया है सवाल, और खास करके उन्होंने इस बात से जुड़ा है कि यह सरकार वह वनांचल बनाना चाहती है, वह उत्तरांचल बनाना चाहती है, वह छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है, तो वह बोडोलैंड क्यों नहीं बनाती। अब यह सवाल आपका अकेले का नहीं है, यह सवाल जो है वो देश के अलग अलग भागों में जहां पर भी अलग राज्य बनाने की मांग है वो सबके सब सदस्य वहां की बात कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े आग्रह के साथ मुझे कहते हैं कि विदर्भ क्यों नहीं बनाते आप, और वो ये भी कहते हैं कि विदर्भ के तो आप भी समर्थक है, ये मिथिलांचल की बात कर रहे हैं कि मिथिलांचल क्यों नहीं बनाते, भोजपुर की बात। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इसमें इतनी विविधता है कि उसमें हर एक जो पृथक इकाई है वो जरूरी नहीं कि वो कोई भौगोलिक इकाई हो, वह प्रकृति से, उपसंस्कृति से,
भाषा से किसी भी प्रकार से अलग अगर है तो उसको लगता है कि अगर मेरा राज्य बन जाए तो कितना अच्छा होगा। जिले हैं जो जिले जिनकी एक अलग प्रकृति है, जिनकी एक अलग उपसंस्कृति है या अलग भाषा शैली है। अब बिहार है, हिंदी भाषी प्रांत होते हुए भी वहाँ पर ऐसी ऐसी समृद्ध भाषाएं, सभी का अपना अपना महत्व है, वो कोई साधारण नहीं। कोई डायलैक्ट उनको नहीं कह सकता, कोई भोजपुरी को डायलैक्ट कहे तो मैं नहीं मानता हूँ, इतनी समृद्ध भाषा। और उसी प्रकार से मैथिली है जिसमें, लेकिन ये सब होते हुए भी निर्णय करते हुए मैं आपको कम से कम इस सरकार का बताता हूँ। इस सरकार के सामने दो प्रस्ताव थे, जिस समय हम अपना नेशनल एजेंडा बना रहे थे तो दो प्रस्ताव थे कि भाई हिंदुस्तान का आज का जो विभाजन है, जो राजनीतिक नक्शा बना हुआ है, वो बड़ा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। उसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य बना हुआ है, आंध्र प्रदेश जैसा बड़ा राज्य बना हुआ है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा बड़ा राज्य बना हुआ है। ये बने केवल मात्र भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ उसके आधार पर बने, और कोई कसौटी नहीं। इतना बड़ा राज्य बनेगा तो उसमें विकास कैसे होगा इसकी चिंता नहीं, या इस राज्य में भी एक भाषा हिंदी की तो होगी लेकिन सभी अलग अलग भाषा है, कई है, या तेलंगाना है वो अलग है, कोस्टल रीजन अलग है, और फिर भी नहीं। अब ये सारी बातें हुई, इसीलिए प्रपोजल था कि एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सेकंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाए। हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है तो क्या हिंदुस्तान को खंडित कर दोगे विकास के लिए? प्लीज प्लीज सर, अध्यक्ष जी, मैं तो प्लीज साइलेंस। सरकार के चिंतन का बता रहा था कि दो प्रस्ताव थे हमारे सामने। पहला प्रस्ताव था कि पहला जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसमें प्रमुख कसौटी थी भाषा। उसको कई साल हो गए, आज देश के अलग अलग भागों में मांग है कि अलग राज्य हमारा बनाया जाए, तो क्या हम स्टेट सेकंड रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाए? और उसमें वजन है, मैं उसमें वजन देखता हूं। लेकिन फिर लगा कि आज की स्थिति में जबकि देश में अलग अलग प्रकार के तत्व हैं इधर उधर, और हमारा अंदर की स्थिति का फायदा उठाने वाले देश के दुश्मन बाहर भी हैं, हमको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पंडोराज बॉक्स खुल जाए। और इसीलिए सीमित किया, हमने कहा कि हम केवल उन्हीं राज्यों को बनाने का वचन देंगे जिनके बारे में एक आम राय उस प्रदेश में है, और उस आम राय को प्रकट उस प्रदेश की विधानसभा ने किया है। ये कसौटी बना करके हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो आज भले ही कुछ भी कहते हो लेकिन उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने उत्तरांचल की सिफारिश की। आप भी सहमत हैं कि ऊधम सिंह नहर को केवल उत्तर प्रदेश में लाया जाए? उसको भी सहमत हैं उस समय आपने, तो उत्तरांचल की सिफारिश उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने की, वनांचल की सिफारिश बिहार की विधानसभा ने की, छत्तीसगढ़ की, आप उसको झारखंड कहिए, मुझे उसमें नाम में कोई आपत्ति नहीं। और इसीलिए हमारी सरकार उस नाम का सवाल भी छोड़ देगी। और तीसरी चीज, छत्तीसगढ़ की सिफारिश मध्य प्रदेश ने की, तो इन तीन प्रदेशों के बारे में हम केवल अपनी बात कहें और कोई ना कहें। इस बीच में हमारा ध्यान दिलाया गया बाद में चल करके कि पौंडेचेरी की विधानसभा ने भी प्रस्ताव किया है कि आप पौंडेचेरी को राज्य का दर्जा दें, तो हमने कहा कि हम इस पर भी विचार करने को तैयार हैं। और इसीलिए मैं आपको इतना कहूँगा कि बोडो जितने लोग बसते हैं वहाँ पर, उनकी जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति हम जागरूक हैं, और कोई उसका उपाय निदान निकाल सकेंगे तो हम जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। And you have already opened up the Pandora's box. अध्यक्ष जी,
हिंदुस्तान में आज इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर में है, हिंदुस्तान में इंसर्जेंसी आज नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है, लेकिन एक समय था आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में उग्रवाद उतना ही भयंकर था, अगर ज्यादा नहीं, जितना आज नॉर्थ ईस्ट में है। और मुझे याद है कि मैं उन दिनों में कभी पंजाब जाता था तो ऐसा लगता था कि शायद ये स्थिति सुधरेगी नहीं, वापस होगी नहीं, और मुझे आज बहुत खुशी है कि उस सारे फेज में से हम निकल सके और सफलता से निकल सके। अध्यक्ष जी, I'll conclude in a few minutes. I have nothing to say. No, Minister, we are not against. We don't want you to cut short. But the thing is that at 6 o'clock, at least chair should ask the house. Otherwise, it is not in the order of things, please. In my view, nobody. You please understand that. Nobody is raising that issue. That's why conversation is there. Yes. No. Normally, at the. Yes, sir. You may take the sense of the house, sir. No. Yes, sir. Now I am asking all of honorable members. Yes. Yes. Okay. Sir, house extended. Dear Prasad, I'll keep it fast. Okay. Yes. No. After this, Prasad, but the bill is there. I am asking for your all concerns. No, I am asking. Sir, the Home Minister was replying to a very important topic. We do not want to interfere or create any problem, any disturbance. We were listening to that. But it is the responsibility of the chair to ask the house whether at 6 o'clock whether the house can be extended. We have not decided to extend the house after 6 o'clock. Whatever is the decision in any other committee, it is to be decided by this house. Yes. Sir, now since the issue has been raised, I request that the house should continue till the Prasar Bharati. No, let the Home Minister complete, then we will decide. Right. अध्यक्ष जी, मैं उल्लेख कर रहा था आतंकवाद किन किन क्षेत्रों में हुआ, और उनमें से एक प्रदेश था पंजाब जो इतना ग्रस्त था इससे कि न केवल बेगुनाह लोगों की हत्याएं आए दिन होती थी, लेकिन घर से बाहर निकलना ही असंभव हो गया था काफ़ी समय तक, और उस स्थिति में से उभर करके हम आए हैं। तो मैं कहूँगा कि उसका श्रेय सेना को नहीं है, उसका श्रेय पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं है, उसका श्रेय प्रमुख रूप से वहां की जनता को है, वहां के प्रशासन को है, और वही की राज्य की पुलिस को है। अगर तीन कोई अंग है जिनको सबसे अधिक श्रेय है तो वहां की जनता, जिन्होंने कह दिया कि हम जो भी मिलिटेंसी में भाग लेते हैं उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं। तो शुरू का एक फेज था जब लगता था कि समाज के एक काफी बड़े वर्ग की उनके प्रति सहानुभूति है, धीरे धीरे करके वो सहानुभूति खत्म हो गई। दूसरी बात, वहाँ के प्रशासन में कोई अगर तत्व उनके प्रति सहानुभूति रखने वाला था तो वो या तो चला गया या तो उसने अपनी सहानुभूति छोड़ दी। तो जनता, प्रशासन और फिर वहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस, उसकी भूमिका सबसे अधिक रही। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भी यह स्थिति जो आज इंसर्जेंसी के कारण पैदा हुई है उसका मुकाबला इन्हीं तो तीन चीजों से होगा। ये सही है कि हर एक प्रदेश की अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन मूलतः जब तक वहां की जनता वह इंसर्जेंसी से बिल्कुल अलग न होती, मिलिटेंसी से बिल्कुल अलग न होती, वहां का प्रशासन इसके बारे में दक्ष नहीं रहता। जी, I'll come to that. They have sacrificed. I represent that. They have sacrificed. They face the challenges there. I'm dealing with that. And लेकिन ये तीन के बाद, please Kim, let me complete. मैं जिन लोगों ने बीच में कभी कभी आर्मी के बारे में बात कही उनसे मैं आग्रह पूर्वक अनुरोध करूंगा, आर्मी की आलोचना मत करें। आर्मी जिन परिस्थितियों में काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन परिस्थितियों में इनका मुकाबला कर रहे हैं, वे इतनी कठिन है, आप जाकर के देखिए कभी। और ऐसे लोगों को मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, उनको कंडोन भी नहीं कर रहा, उनको बचाव भी नहीं कर रहा। अगर किसी ने कोई ज्यादती की है, किसी महिला पर अत्याचार किया है, किसी ने भी, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या सेना का हो, कोई अधिकार नहीं है। और हिंदुस्तान उन कम डेमोक्रेसीज में से है कि जिन्होंने एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया है
और जिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद जाकर के कोई भी शिकायत कर सकता है, और उन्होंने शिकायतें जितनी उनको मिली है उसकी हमेशा जांच की है। और मैं कह सकता हूं कि आर्मी ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हमेशा उनके बारे में जो भी शिकायत आई है उसकी छानबीन की है, अगर कोई अपराधी साबित हुआ है तो उसको दंडित किया है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि यद्यपि ये बात सही है, हंडिक ने कहा या किसी ने कहा कि ये डिमांड जो की जाती है, शायद किम ने भी कहा कि ये डिमांड की जाती है कि सेना को भेजो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना को मत भेजो, सेना को भेजने की ज़रूरत नहीं। मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी राज्य में सेना को भेजने की ज़रूरत न पड़े तो हमारी सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात होगी। सेना के लोग कोई खुशी से नहीं जाते हैं इस प्रकार का काम करने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि कितनी सरकारें मुझे रोज ये शिकायत करती रहती है कि आपने हमारे पास सेना नहीं भेजी, आपने हमारे पास वो नहीं भेजा, आपने BSF नहीं भेजा, CRPF नहीं भेजा। तो इन सभी चीज़ों को एक, जिसको कह सकते हैं, एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पंजाब में हम उग्रवाद का सामना करके उसको समाप्त कर सके हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में भी हम निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। I would like to ask the Home Minister one question, sir. Just one minute. In the light of... Detailed reply has given by the Home Minister. Mr. Speaker, sir, in the light of what... Just one minute. Chairman, yes. Sir. In the light of what Mr. Sangma said, PA Sangma said regarding SC Jameer in the last election, that he brave all those and resisted the... boycott called by the NSC and IIM. In spite of that, he has been able to conduct the election successfully. Do you think you should dismiss the SC Jameer government? There is no such proposal. Sir, we have not even thought of the newspaper just arrived. Leave it. Your General Secretary, Mr. P.P. Acharya, today made a statement in the newspaper, Nagaland Observer. Leave it, the newspaper statement, Honorable Minister categorically stated. Yes. Leave it, that one. Yeah. What so, is it? He said that Union Chairman, sir, will dismiss this government. Chairman, sir. Chairman, sir. Chairman, sir. He denied. Honorable that Minister is okay. Denied. Chairman, who sir. No. Honorable. Madam. No, Chairman, sir. Yes, Honorable. But anyhow. Chairman, sir. Jayant Rangopi. Honorable Home Minister has declared the policy of creating new state. Yes, and yes. He has said that the government has decided to create states in... Not to make speech. Just yes. Clarifications. Yes. Honorable Home Minister has said that the present government is going to create new states in those areas or in those states when there is a general consensus which is expressed through assembly resolutions. That is in regards to creating new states, and that is clear to us. But I wanted to know categorically from the Honorable Home Minister about the policy of the government where there is a no demand of separate state, where there is a demand of more autonomy, and which is explicitly and exclusively provided in the Constitution, in the Article 244A, wherein there is a provision that no new states, but an autonomous state within a state of Assam, without bifurcating this state. So therefore, the resolutions from assembly is probably not required. And in the case of Assam, where this type of demand is coming, I wanted to know categorically from the Honorable Home Minister about the stand of the government. Please. Secondly, in regards to the ceasefire, we have seen the last ceasefire agreement with... No, again you are making speeches. Yes, yes. No, this is important. Please, you see the mood of the house. About the ceasefire... So we have allotted 2 hours. We have discussed 5 hours. So that's why you see the mood of the house. About again you are asking so many questions. Whether this ceasefire is restricted only to Nagaland, okay, or the ceasefire is also other area of operations of the NSCN. And whether K group, Khaplan group is also included in this ceasefire please. Agreement. Thank you. Minister, one Minister. Gangeti, please. No scope, please. I can raise it. He can just reply. Sir, along with that, can I raise it? Sir, just as one far minute. As please cooperate. Formation of states is concerned. Just so far minute. As formation of new states is concerned, I have clarified the government's approach. So far as problems relating to certain sections
of any state are concerned, which can be accommodated within the constitution as it is, within the present political map, we'll certainly examine. No, no, no.